Hello everyone. Today we are talking about introduction to association mining. इससे पहले हम अभी तक डेटा माइनिंग में ये पढ़ चुके हैं कि डेटा माइनिंग क्या है, उसकी क्या एप्लीकेशन है, और उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी. क्लासिफिकेशन में हमने ये बात करी थी कि क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब करने के लिए और प्रिडिक्ट करने के काम आता है, और कुछ एल्गोरिथम्स के बारे में हमने बात करी थी. तो अब हम एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट डेटा माइनिंग का, जो है कि एसोसिएशन माइनिंग, उसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम एक बार याद कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है. जैसे कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को या किसी क्लास को डिस्क्राइब करना हो तो आप क्लासिफिकेशन का यूज कर सकते हैं. वैसे ही ऑब्जेक्ट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं. मान लीजिए कि मैं एक एल्गोरिथम को बता रही हूँ कि ये एक फ्रेंच टोस्ट है, तो मैंने फ्रेंच टोस्ट के फीचर्स एल्गोरिथम को बता दिए. अब इसके बाद मैंने उसको और एग्जांपल दिए और कहा कि ये भी एक फ्रेंच टोस्ट है, और उसके बाद कुछ और एग्जांपल देते हुए और उसको अलग फीचर्स देते हुए बताया कि ये भी एक फ्रेंच टोस्ट है. तो अब क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम ने ये समझ लिया कि फ्रेंच टोस्ट क्या होता है. अगर आप उसको एक नया इनपुट देते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या ये एक फ्रेंच टोस्ट है, तो क्लासिफिकेशन को जो आपने अभी तक सिखाया है उस एल्गोरिथम को, उसके बेसिस पे डिसाइड कर पाएगा या प्रिडिक्ट कर पाएगा कि जो नई एक इमेज आ रही है वो फ्रेंच टोस्ट है कि नहीं है. तो उसने ये बता दिया है हमको कि ये एक फ्रेंच टोस्ट है. अब आप उससे एक सवाल पूछें कि क्या ये फ्रेंच टोस्ट है, तो नहीं, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन आपने अभी तक एल्गोरिथम को दिया है उसके हिसाब से ये फ्रेंच टोस्ट नहीं है. तो ये तो हुई क्लासिफिकेशन की बात. अब क्लासिफिकेशन के अलावा डेटा माइनिंग में और भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं, जो कि है एसोसिएशन रूल माइनिंग. अब ये एसोसिएशन रूल माइनिंग होता क्या है, एक एग्जाम्पल से लेते हैं, एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं. मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी स्टोर में जा रहे हैं. ये एक मान लो वॉलमार्ट या टारगेट स्टोर की बात करें, तो एक सर्वे किया गया कि एक टिपिकल यंग अमेरिकन फ्राइडे शाम को वॉलमार्ट में जाकर डायपर्स खरीदता है, तो उसके साथ साथ वो और क्या खरीदेगा. डायपर क्रीम खरीद सकता है, बेबी ऑयल खरीद सकता है, डायपर खरीद रहा है तो बियर खरीद सकता है. हाँ, ये बहुत चौंका देने वाली बात है कि वो बियर खरीद सकता है डायपर्स खरीद रहा है तो ये सर्वे में पता चला कि काफी अमेरिकन्स जो डायपर खरीदने जाते हैं वो बियर भी खरीदते हैं. मैं ये मानती हूँ कि डायपर्स और बियर का आपस में कोई लेना देना नहीं है, और कोई सोच भी नहीं पाएगा कोई मार्केटर के कोई डायपर के साथ बियर भी खरीद सकता है, लेकिन इतनी मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन में ये इंटरेस्टिंग पैटर्न या ये लाइकलीहुड एसोसिएशन रूल माइनिंग ने हमें बताई, जो कि शायद हमें एक आम तौर पर अगर हम अपनी ट्रांजैक्शंस में नजर फैलाएं कि रोज कितनी शॉपिंग हुई, लोगों ने क्या खरीदा, अगर इतने सारे शॉपिंग कार्ड्स हम देखें तो शायद हम नोट ना कर पाए. तो यही यूज है एसोसिएशन रूल माइनिंग का. एसोसिएशन रूल माइनिंग इंटरेस्टिंग पैटर्न्स या रिलेशनशिप्स डेटा आइटम्स के बीच में, या एसोसिएशंस की कोई एक चीज खरीदी जा रही है या कोई एक इवेंट हो रहा है तो उसके साथ साथ दूसरा भी होगा और उसका क्या चांस है होने का, इस बारे में एसोसिएशन रूल माइनिंग में हम जानेंगे. तो बहुत बड़ा डेटा आइटम का सेट अगर आपको मिला है तो आप एसोसिएशन रूल माइनिंग के द्वारा आप इंटरेस्टिंग पैटर्न्स अनकवर कर सकते हैं. डेटा आइटम्स के बीच में आपस में कोई रिलेशनशिप है वो अनकवर कर सकते हैं, उनकी कोई एसोसिएशन अनकवर कर सकते हैं. तो अगर मैं डिफाइन करूं तो गिवन अ सेट ऑफ आइटम्स वी कैन फाइंड रूल्स दैट कैन हेल्प अस डिटरमिन विच सबसेट्स ऑफ आइटम्स फ्रीक्वेंटली अकर टुगेदर. कि कौन से आइटम्स, अगर मान लो मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ तो लोग क्या ब्रेड के साथ बटर भी खरीदना प्रेफर करते हैं, क्या ये फ्रीक्वेंट है कि ये मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स ये काम कर रहे हैं, क्या ब्रेड के साथ मिल्क खरीदते हैं,
डायपर्स खरीद रहे हैं तो बियर खरीदते हैं, तो हम ऐसे फ्रीक्वेंट पैटर्न्स के बारे में जान सकते हैं यूजिंग एसोसिएशन रूल माइनिंग. सो हमारे लिए ये रियल लाइफ में ये पैटर्न्स इतने इंटरेस्टिंग क्यों हैं, ये हमारा क्या किस काम आएंगे? तो एप्लीकेशंस जो एसोसिएशन रूल माइनिंग की हैं वो ये हैं. मार्केट, सबसे पहले है मार्केट बास्केट एनालिसिस. जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया कि हमें ये नहीं पता था, किसी शॉपकीपर को आमतौर पे ये पता नहीं चलेगा कि कोई कस्टमर आ रहा है तो वो बियर के साथ, डाइपर के साथ बियर खरीदना प्रेफर करता है, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे कस्टमर्स हैं. तो जाहिर सी बात है कि एसोसिएशन रूल माइनिंग एक रिटेलर को या शॉपकीपर को प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसाइड करने में हेल्प कर सकती है, पैकेज बनाने में हेल्प कर सकती है, डिस्काउंट्स ऑफर करने में हेल्प कर सकती है. जैसे कि डायपर के प्राइसेस आप कम कर दीजिए और बियर के प्राइसेस बढ़ा दीजिए, तो आप ये देख सकते हैं कि कस्टमर ने जो चीज़ खरीदनी है पर उसको भी फायदा महसूस हो और एज अ शॉपकीपर आपका भी कोई नुकसान ना हो. सिमिलरली आपकी प्रोडक्ट प्लेसमेंट के, अगर लोग डायपर के साथ बियर खरीदते ही हैं तो क्यों ना मैं प्रोडक्ट्स को आसपास प्लेस करूं जो बहुत फ्रीक्वेंटली बॉट हैं. तो ये हो तो हुई मार्केट बास्केट एनालिसिस की बात. अब क्रॉस मार्केटिंग, मतलब आप मान के चलिए, मान लीजिए कि एक कार है, एक नई कार यूजर खरीदता है, ड्राइवर खरीदता है, और उसके साथ उसको इंजन ऑयल की ज़रूरत है. तो एसोसिएशन रूल माइनिंग बता सकती है कि कौन सी कार के साथ कस्टमर्स कौन सा इंजन ऑयल खरीदते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली खरीदते हैं. तो आप ये दोनों कंपनीज मिलके आपस में कोलैबोरेट कर सकती हैं और क्रॉस मार्केटिंग कर सकती हैं, एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकती हैं कि अच्छा ये इंजन ऑयल खरीदिए इस कार के साथ, इस कार के लिए ये इंजन ऑयल बेस्ट है. सिमिलरली कैटलॉग डिज़ाइन करने के लिए, अगर फ्रीक्वेंटली प्लीज आइटम्स आप प्लेस करें कैटलॉग में, तो यूज़र को आप इंस्पायर कर सकते हैं आपसे शॉप करने के लिए. फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन का आपने एग्जांपल देखा होगा, जब भी आप कुछ शॉपिंग करते हैं तो यूज़र्स को ये बताया जाता है अमेज़ॉन द्वारा कि आपने ये आइटम खरीदा है, आपके जैसे और लोगों ने इस आइटम के साथ ये भी खरीदा, आपने ये आइटम खरीदा है तो इस आइटम के साथ अगर आप ये और आइटम खरीदेंगे, फॉर इंस्टेंस अगर मैं मान लो एक कलरिंग बुक खरीदती हूँ तो फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर इज क्रेयॉन्स, सो यू Amazon will offer you a package or a discounted deal on the coloring book as well as the crayons. So this is how a catalog can be designed. Similarly, medical diagnostics, कि कौन सी disease के साथ कौन से diagnostic tests frequently occur होते हैं और क्या medicines prescribe की जाती हैं. अगर आप देखें जो recently अभी कोरोना वायरस का outbreak हुआ है, तो पेशेंट की एज, पेशेंट की प्रेजेंट मेडिकल कंडीशन, अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, एरिया जहाँ पर, लोकेशन जहाँ पे वो पेशेंट रहता है, उनके बीच में एसोसिएशन फॉर्म करके हम कोरोना वायरस के बारे में आजकल प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कहाँ तक ये बीमारी जाएगी और हम इसकी रोकथाम कैसे कर पाए. आपने देखा होगा कि इंडिया में काफ़ी मेजर्स लिए गए हैं इस चीज़ को लेकर. अब मैं एसोसिएशन रूल के बारे में बात करूंगी और हम अब कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं एसोसिएशन रूल माइनिंग के. तो सबसे पहले आप एक मार्केट बास्केट लीजिए. मार्केट बास्केट क्या है कि एक यूजर एक बास्केट बनाता है, एक कार्ट बनाता है जिसमें बहुत सारे आइटम्स डालता है और उनको खरीदता है. तो हर कार्ट को एक ट्रांजैक्शन या हर एक शॉपिंग आइटम को, जैसे मिल्क, ब्रेड, बियर अगर यूजर ने खरीदा, कस्टमर ने खरीदा, तो उसको मैं एक ट्रांजैक्शन कह सकती हूँ. मैंने यहाँ एक पांच ट्रांजैक्शंस का एक सेट लिया है. किसी शॉप में आप नियरेस्ट बिग बाजार में जाएं तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन किसी यूजर ने करी, उसमें उसने ब्रेड मिल्क खरीदा. दूसरी ट्रांजैक्शन जो हुई वो ब्रेड, डायपर और बियर और एग्स खरीदे गए. तीसरी ट्रांजैक्शन में मिल्क, डायपर, बियर एंड कोला खरीदे गए. ब्रेड, मिल्क, डायपर, बियर फोर्थ ट्रांजैक्शन बने और फिफ्थ ट्रांजैक्शन में ब्रेड, मिल्क, डायपर एंड कोला खरीदा गया.
अब ये तो हमने पांच ट्रांजैक्शंस की बात करी, पर आप बिग बाजार, वॉलमार्ट, टारगेट स्टोर जाओगे तो एक ही दिन में मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं, और इतने छोटे साइज के भी नहीं होती। लोग कार्ट फुल करके जाते हैं तो दे कंटेन अ लॉट नंबर ऑफ आइटम्स। सो वी आर गोइंग टू एनालाइज सच ट्रांजैक्शंस यूजिंग मार्केट बास्केट एनालिसिस। तो अब सबसे पहले आप कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। पहली चीज कि जो भी एसोसिएशन होती है वो ट्रांजैक्शन बेस्ड होती है। दूसरी बात कि एक ट्रांजैक्शन में मल्टीपल आइटम्स, जीरो और बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं, एंड ऑल आइटम्स इन अ ट्रांजैक्शन बिलोंग टू अ सेट ऑफ ऑल आइटम्स इन द मार्केट बास्केट डेटा सेट। मतलब बिग बाजार में जितने भी आइटम्स हैं उनके इन्वेंटरी में, उनमें से कोई भी आइटम, कितने भी आइटम्स आपकी मार्केट बास्केट में एक ट्रांजैक्शन फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि बिग बाजार में डी आइटम्स हैं, डी कुड बी 100, 200, 500 यूनिक आइटम्स, सो आई इज माई डेटा सेट वेयर I1, I2, I3 अप टू ID आर डिस्टिंक्ट यूनिक आइटम्स इन द डेटा सेट। सिमिलरली अगर टी जो है वो सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस है, तो कस्टमर ऊपर दिए गए आई डेटा सेट में से कुछ आइटम्स खरीदेगा। अब वो एक आइटम खरीदे या 10 आइटम खरीदे, फॉर एग्जाम्पल वो 10 10 सोप्स खरीद रहा है और एक डायपर का पैकेट खरीद रहा है, तो डायपर और सोप्स दोनों को आई के सेट में बात होना पड़ेगा। सो टी इज अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस विच इज डिनोटेड बाय अ सेट T1, T2, T3, TN। इसका मतलब ये है कि मैं बिग बाजार जा रही हूँ और आप भी बिग बाजार जा रहे हैं, तो मेरी शॉपिंग कार्ट या जो जो मैंने शॉपिंग करी है उसमें हो सकता है डायपर्स हो, मिल्क हो, ब्रेड हो, बटर हो, ग्रोसरी आइटम्स हो, तो वो ट्रांजैक्शन बन जाएगी T1। और वो आइटम्स कहाँ से आए? बिग बाजार में जो इन्वेंट्री थी उसमें जो यूनिक आइटम्स थे वो आइटम्स मैंने पिक कर लिए। सिमिलरली अगर आप शॉपिंग जा रहे हैं बिग बाजार में, तो आप स्टेशनरी खरीद सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स खरीद सकते हैं, स्नैक्स खरीद सकते हैं, तो वो आपकी ट्रांजैक्शन है T2। और आपने भी आइटम्स ऊपर दिए हुए आयत आय डेटा सेट से ही लिए हैं। सो ईच TJ, ईच ट्रांजैक्शन विल कंटेन एलिमेंट्स विच बिलोंग टू द आइटम दैट इज द आइटम सेट, द सुपर आइटम सेट ऑफ द डेटा सेंटर। अब ये आप एग्जाम्पल दोबारा देखिए जिसमें हमने पिछली पांच ट्रांजेक्शन जिसके बारे में बात करी थी वो ली। तो इस केस में हमारा आई क्या हुआ? यूनिक आइटम सेट विच आर ब्रेड, मिल्क, डाइपर्स, बियर, एग्स एंड कोला। और ट्रांजैक्शन सेट क्या हुआ? ट्रांजैक्शन 1, TID 1, TID 2, TID 3, TID 4 एंड TID 5। आइटम सेट क्या हुआ? अ कलेक्शन ऑफ जीरो और मोर आइटम्स इज नोन एज अ कलेक्शन ऑफ इज नोन एज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स विच इज अ आइटम सेट। अगर एक आइटम सेट में के आइटम्स हैं तो मैं उसको के आइटम सेट बोल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, मिल्क, डाइपर्स और बियर 4 आइटम सेट है। अगर मैं सिर्फ ब्रेड की बात करूं तो 1 1 आइटम सेट है। और नल आइटम सेट क्या हुआ? जिसमें कोई भी आइटम नहीं है। याद रखिए मैं अभी आइटम सेट की बात कर रही हूँ, ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रही। मतलब दो आइटम्स मैंने इकट्ठे कर दिए तो वो आइटम सेट बन गया। जब मैंने उन दो को खरीद लिया तो वो मेरी ट्रांजैक्शन बनेगी, और इस ट्रांजैक्शन को मैं एनालाइज करने वाली हूँ। सो ट्रांजैक्शन विड्थ इज द नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन अ ट्रांजैक्शन। अगर मान लो मैं यहाँ पे TID 1 देखूं तो उसकी विड्थ यहाँ पे 2 है। तो ट्रांजैक्शन TJ कंटेन्स एन आइटम सेट X इफ X इज अ सबसेट ऑफ TJ। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि X ब्रेड और मिल्क है तो X इज अ सबसेट ऑफ विच हु ऑल ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शन 1 T4 में भी है और T5 में भी है, पर जो X है ब्रेड और मिल्क वो T2 और T3 में नहीं है। तो X इज नॉट अ सबसेट ऑफ T2 एंड T3, बट इट इज अ सबसेट ऑफ T1, T4 एंड T5। तो एसोसिएशन एनालिसिस क्या है?
एसोसिएशन एनालिसिस को अगर आप फ्रेम करना चाहें एक सेंटेंस में, तो इट इज अ डिस्कवरी ऑफ इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप्स इन लार्ज डेटा सेट्स जो कि फ्रीक्वेंटली अकरिंग होते हैं. और एसोसिएशन रूल्स आर द सेट ऑफ फ्रीक्वेंट आइटम्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म. मतलब कोई डायपर खरीद रहा है तो वो बियर भी खरीदता है. अगर मैं बोलूं तो डायपर्स हमारा एंटीसीडेंट है और बियर हमारा कॉन्सिक्वेंट है. तो द अबव रूल विच इज अ एसोसिएशन रूल विच सेज दैट इफ अ कस्टमर बाइज डायपर्स ही ऑल्सो बाइज बियर. सो ये हमारे काम के साथ किस काम आएगा कि आपने क्रॉस सेलिंग करी, प्रोडक्ट प्लेसमेंट करी और प्राइसिंग डिसाइड करी उस पर्टिकुलर रिलेटेड आइटम्स के लिए. सो डायपर्स कोई खरीद रहा है तो वो बियर खरीदे, ये हमने एसोसिएशन रूल से फाइंड आउट कर लिया. लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई बियर खरीदेगा तो वो डायपर भी खरीदेगा. तो उसके लिए आपको बियर से डायपर का एसोसिएशन रूल और उसकी अक्रेंस आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी और तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये भी ट्रू है या नहीं. इसके लिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डायपर्स गोज टू बियर एंड बियर्स गोज टू डायपर इज नॉट द सेम. तो अगर मैं एसोसिएशन रूल को फॉर्मली डिफाइन करूं तो वो एक इम्प्लीकेशन एक्सप्रेशन है विच मीन्स एक्स गोज टू वाई, जहां पे एक्स और वाई आइटम सेट है. मतलब एक्स कुड बी ब्रेड कॉमा मिल्क एंड सिमिलरली वाई कुड बी बियर, वाई कुड बी डायपर्स कॉमा बियर. सो एनी सबसेट ऑफ आइटम्स इज एक्स एंड वाई. एक्स को हम एंटीसीडेंट कह देते हैं और वाई को हम कॉन्सिक्वेंट कह देते हैं. एंड रिमेंबर एक्स गोज टू वाई इज नॉट सेम एज वाई गोज टू एक्स. तो दो की इश्यूज का हमें ना ध्यान रखना पड़ता है जब हम एसोसिएशन रूल माइनिंग की बात करते हैं. सबसे पहला कि एसोसिएशन रूल माइनिंग कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है. क्यों? क्योंकि आपको सारे x पॉसिबल आइटम सेट्स कंप्यूट करने पड़ेंगे. जरूरी नहीं है कि x आइटम सेट में एक ही आइटम हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी. एनी कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम्स इन i कुड फॉर्म योर x. और सिमिलरली y में भी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम्स कुड फॉर्म y. सो यू हैव टू कंसिडर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y एंड कंप्यूट द एसोसिएशन रूल एंड उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी फ्रीक्वेंसी. दूसरी चीज, आपको कई बार स्पूरियस पैटर्न्स भी मिल सकते हैं. मतलब वो जो कि इंटरेस्टिंग नहीं होंगे. तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन टाइम ना लें और अनइंटरेस्टिंग पैटर्न्स को इग्नोर कर दें. अब मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ मार्केट बास्केट डेटा को, तो मैं उसको 0-1 या बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, जिसमें 1 मीन्स प्रेजेंस ऑफ एन आइटम एंड 0 मीन्स एब्सेंस ऑफ एन आइटम. तो 0-1 रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी है. फॉर एग्जांपल, ट्रांजैक्शन 1 में ब्रेड और मिल्क है, तो बियर, डायपर, एग्स, कोक सब 0 हो जाएंगे. ट्रांजैक्शन 2 में 4 आइटम्स हैं, ब्रेड, डायपर्स, बियर एंड एग्स, सो द रेस्ट ऑफ द आइटम्स मिल्क एंड कोक विल बी 0. तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ स्पेस, बट रिमेंबर दैट फॉर अस द इम्पॉर्टेंट थिंग इज 1, समथिंग दैट इज प्रेजेंट एज कम्पेयर टू समथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट. सो वी कैन यू नो अरेंज दिस यूजिंग अ स्पार्स मैट्रिक्स ऑल्सो. और 1 जीरोज हैं तो हम 1 को इम्पोर्टेंस देते हैं और 0 को इतनी नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंटली अकरिंग आइटम्स की हम बात कर रहे हैं. तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये रिप्रेजेंटेशन एक एसिमेट्रिक बाइनरी वेरिएबल की तरह बिहेव करेगी. दूसरी चीज ध्यान रखने वाली है कि बहुत सिंपलिस्टिक व्यू है मार्केट बास्केट का. हमने अभी तक ये बात नहीं करी कि कौन सा प्रोडक्ट इतना महंगा है. हमने ये बात भी नहीं करी कि एक कस्टमर ने एक ट्रांजैक्शन में कितनी क्वांटिटी खरीदी है. बट इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. सो अब सबसे पहले एसोसिएशन रूल्स जो हमने एक्स गोज टू वाई ढूंढने हैं उनको इवैल्यूएट कैसे किया जाए, उसके लिए इवैल्यूएशन मैट्रिक्स की मैं बात करूंगी. तो सबसे पहले चीज है सपोर्ट काउंट.
तो सपोर्ट काउंट इज द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दैट कंटेन अ पर्टिकुलर आइटम सेट. इसका मतलब एक आइटम सेट है ब्रेड और मिल्क, तो पूरे जितनी ट्रांजेक्शन सेट है T1, T2, T3 अप टू TJ, तो इन सब में कितनी बार मिल्क कॉमा ब्रेड जो है अकर कर रहा है, ये सपोर्ट काउंट है. सो इट इज गिवन बाय सिग्मा एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ TI, वेयर एक्स इज अ सबसेट ऑफ TI एंड TI बिलोंग्स टू द ट्रांजेक्शन डेटा सेट. सो दिस मॉड डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट. अगर मैं एग्जांपल लूं कि अगर एक्स है मिल्क और डाइपर्स और ये मेरा ट्रांजेक्शन डेटा है जिसमें 5 ट्रांजेक्शन्स हैं, तो मिल्क और डाइपर्स आया ट्रांजेक्शन 5 में, और कौन सी ट्रांजेक्शन्स में आया, T4 में आया और T3 में आया. तो टोटल 3 ट्रांजेक्शन्स T3, T4 और T5 में मिल्क और डाइपर्स अकर कर रहे हैं, तो सपोर्ट काउंट क्या हो गया, 3 हो गया. तो एसोसिएशन रूल एक्स गोज टू वाई में हमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि एक्स और वाई डिसजॉइंट है. मतलब अगर एक्स इज मिल्क एंड डाइपर्स, तो नीदर मिल्क नॉर डाइपर्स कैन अकर ऑन द राइट साइड. सो दीज आर डिसजॉइंट सेट्स. सो एक्स इंटरसेक्शन वाई विल ऑलवेज बी एम्प्टी. तो स्ट्रेंथ ऑफ एक्स गोज टू वाई कैन बी मेजर्ड यूजिंग टू मीट्रिक्स, द वन इज सपोर्ट एंड अदर इज कॉन्फिडेंस. तो सपोर्ट और कॉन्फिडेंस के बारे में बात करते हैं. अभी तक हमने सपोर्ट काउंट की बात करी थी. सपोर्ट काउंट क्या था कि एक आइटम सेट कितनी बार अकर कर रहा है पूरी सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स में, ये डिफरेंट है सपोर्ट से. देखें कैसे. सपोर्ट इज हाउ ऑफन अ रूल इज एप्लीकेबल टू अ डेटा सेट. सपोर्ट काउंट में आपने एक पर्टिकुलर आइटम सेट की अकरेंस काउंट करी. यहां सपोर्ट के लिए आप एक रूल की बात कर रहे हैं. अभी तक आपने बात करी थी एक्स आइटम सेट कितनी बार अकर कर रहा है. अब आप एक्स गोज टू वाई, मतलब आइटम सेट एक्स जब है तो वाई कितनी बार आता है उसके होने पर, उसकी आप बात करेंगे सपोर्ट में. तो ये फर्क आप याद रखिएगा सपोर्ट और सपोर्ट काउंट के बीच में. तो अगर एक्स गोज टू वाई है तो सपोर्ट में बोलूंगी इज अ फ्रैक्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट कंटेन बोथ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस. सो सपोर्ट एक्स यूनियन वाई इज सपोर्ट काउंट ऑफ एक्स एंड वाई टुगेदर, दैट इज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट कंटेन बोथ द आइटम सेट्स एक्स एंड द आइटम सेट वाई, आइटम सेट्स वाई, एंड एन इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस. सो अगर रूल है मिल्क कॉमा डाइपर्स गोज टू बियर, तो मिल्क और डाइपर्स मेरा आइटम सेट एक्स हुआ, बियर मेरा आइटम सेट वाई हुआ, और मेरा रूल हुआ एक्स गोज टू वाई. तो इसका अगर मुझे सपोर्ट कंप्यूट करना है तो मुझे पहले सपोर्ट कंप्यूट करना पड़ेगा एक्स का और वाई का. तो ये दोनों किस कितनी ट्रांजेक्शन्स में आ रहे हैं, तो आप नोट करो कि बियर तो आ रहा है ट्रांजेक्शन 3 में सर, उसके बाद मिल्क आ रहा है, मिल्क और डाइपर्स आ रहा है ट्रांजेक्शन 3 में, बियर आ रहा है ट्रांजेक्शन 4 में, मिल्क और डाइपर्स आ रहा है ट्रांजेक्शन 4 में, और किसी में भी नहीं आ रहा. तो इसका मतलब मिल्क और डाइपर्स दो ट्रांजेक्शन्स में आ रहा है, T3 एंड T4, और T5 में भी आ रहा है, पर उन T5 में बियर नहीं आ रहा. अगर आप नोट करो तो ट्रांजेक्शन 5 में बियर 0 है. तो इसलिए एक्स यूनियन वाई का सपोर्ट काउंट हो गया 2, और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितनी है हमारे पास, 5 ट्रांजेक्शन्स है, तो 2/5. सो सपोर्ट ऑफ द रूल एक्स गोज टू वाई वेयर एक्स इज मिल्क एंड डाइपर्स एंड वाई इज बियर इज 2/5, दैट इज 0.4. अब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस की. तो सपोर्ट है कि इतनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन सपोर्ट कर रही है इस रूल को, और अब हम ये बात करेंगे कि हम किस कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये रूल ट्रू है. सो वी आर सेइंग हाउ फ्रीक्वेंटली आइटम्स इन वाई अपियर इन ट्रांजेक्शन दैट कंटेन एक्स. इसका मतलब ये है कि
सपोर्ट ने बताया कि एक्स और वाई एक साथ कितनी ट्रांजैक्शंस में आते हैं, और कॉन्फिडेंस बता रहा है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में एक्स आ रहा है तो कितनी बार वाई भी आएगा. सो दिस इज कंडीशनल, यू हैव टू रिमेम्बर दैट. सो फॉर एक्स गोज टू वाई, सपोर्ट इज द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट कंटेन बोथ आइटम सेट एक्स एंड वाई गिवन आइटम सेट एक्स. तो कॉन्फिडेंस इज गिवन बाय कॉन्फिडेंस ऑफ द रूल एक्स गोज टू वाई इज गिवन बाय सपोर्ट ऑफ एक्स यूनियन वाई गिवन सपोर्ट काउंट ऑफ एक्स. तो जहां जहां एक्स होगा वहां क्या वाई भी है वो हमें कंप्यूट करना है, उससे हमें कॉन्फिडेंस मेजर इस रूल के लिए मिलेगा. सो सिग्मा एक्स यूनियन वाई इज द सपोर्ट काउंट of x and y together, that is the number of transactions that contain x and y, and sigma x is the support count of x. तो अगर मेरे पास रूल है मिल्क एंड डाइपर्स गोज टू बियर, वेयर मिल्क एंड डाइपर्स इज x द एंटीसीडेंट एंड बियर इज y द कंसिक्वेंट. सो मेरे पास आप देखें तो बियर मिल्क और डाइपर्स कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास बियर मिल्क एंड डाइपर इन टू ट्रांजेक्शन्स, सॉरी सो मिल्क एंड डाइपर्स इज कमिंग इन ट्रांजेक्शन्स T3, T4 एंड T5, एंड बियर इज देयर इन T3 एंड T4 बट नॉट इन T5. सो इफ आई से सिग्मा एक्स यूनियन वाई, इट इज T3 एंड T4 विच इज 2, बट सिग्मा एक्स दैट इज सपोर्ट ऑफ एक्स दैट इज मिल्क एंड डाइपर्स इज अकरिंग इन 3 ट्रांजेक्शन T3, T4 एंड T5. सो द कॉन्फिडेंस विल बी वॉट 2/3 विच इज 0.67. सो आई कैन से विथ 67% कॉन्फिडेंस दैट 67% ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैव बियर इफ मिल्क एंड डाइपर्स आर बॉट. So this is my confidence for this rule. So why do I need to use support? So support can help you eliminate uninteresting rules. अगर किसी rule की support बहुत कम है, इसका मतलब कि that item set frequency is less. So since it is not frequent item set, it is not interesting for me. So low support means that rule occurred by chance and it is uninteresting from the business perspective. Similarly, support can help in efficient discovery of rules. So अगर मैं चाहूँ तो जो कम सपोर्ट के रूल्स हैं उनको मैं प्रून आउट कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे कंप्यूटेशन करने की जरूरत नहीं है. सो यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ आइटम सेट्स विच हैव अ लो सपोर्ट काउंट एंड यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ कंपैरिजंस. याद है हमने बात करी थी कि प्रॉब्लम थी कि हमें स्पूरियस रूल्स एलिमिनेट करने हैं, तो अगर सपोर्ट है हमारे पास तो बाय चांस रूल्स को आप एलिमिनेट कर सकते हो, और क्योंकि कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है क्योंकि बहुत सारे रूल्स पॉसिबल है, तो आप सपोर्ट को यूज करके एलिमिनेट कर सकते हो, नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिड्यूस कर सकते हो. सो लेट मी नाउ फॉर्मली डिफाइन द एसोसिएशन रूल माइनिंग प्रॉब्लम. Association rule planning problem says that given a set of transactions T, you have to find all rules X given Y which have support greater than equals to minimum support, that is the support threshold, and confidence greater than equal to minimum confidence, that is the confidence threshold. So this support threshold min sup and confidence threshold min conf, that will vary from problem to problem. So you have to find all the rules as all the associations x goes to y where support and confidence are greater than their respective thresholds. So this is how we are going to find the frequent item sets. You have to find all the rules x and y, and then you have to compute their support and confidence and see if that support and confidence is greater than minimum support and minimum confident threshold. If yes, then yes, this is my association rule that I am looking for, that is interesting for me. So the brute force approach would be that I have already explained कि अगर मेरे पास D data items हैं तो सारे possible rules आप extract करिए उस data set में से. For example ये मेरा data set है, तो
रूल्स हो सकते हैं, ब्रेड खरीदता है तो बियर भी खरीदे, ब्रेड खरीदेगा तो मिल्क भी खरीदेगा, ब्रेड खरीदेगा तो डायपर्स भी खरीदेगा, ब्रेड खरीदेगा तो एग्स भी खरीदेगा, ब्रेड खरीदेगा तो कोक भी खरीदेगा। देखिए ये अलग अलग रूल्स हैं, वेयर ब्रेड गोज टू बियर इज वन रूल, ब्रेड गोज टू मिल्क इज अनदर रूल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब सिमिलरली आप वाई वाली साइड में एक्स्ट्रा आइटम्स रख सकते हैं, मतलब नए सेट्स बना सकते हैं कि ब्रेड खरीद रहा है तो बियर और मिल्क खरीद रहा है, ब्रेड खरीद रहा है तो बियर और डायपर्स खरीद रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिमिलरली एक्स साइड पे मतलब एंटीसीडेंट साइड पे भी आपके मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं कि ब्रेड बियर खरीदी तो मिल्क भी खरीदा, ब्रेड बियर खरीदी तो डायपर्स भी खरीदे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बोथ फॉर एक्स एज वेल एज फॉर वाई। सो यू विल हैव टू देन कंप्यूट सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ ईच ऑफ द अबव रूल्स दैट यू हैव फिगर्ड आउट। सो आई एम श्योर दैट दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव टास्क। लेट मी शो यू हाउ। सो कितने पॉसिबल रूल्स हो सकते हैं, मान लो डी आइटम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, तो एंटीसीडेंट अगर एक्स है जो के आइटम सेट है, के जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। सो नंबर ऑफ वेज टू चूज केस व्हाट एक्स इज व्हाट द कॉम्बिनेशन डी सी के, एंड सिंस एक्स एंड वाई आर डिसजॉइंट, तो अगर के आइटम सेट एक्स है तो आइटम सेट वाई में जो एक्स में एलिमेंट्स हैं वो नहीं आ सकते, तो इट वुड बी डी माइनस के सी आई, वेयर वन इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू डी माइनस के। तो टोटल रूल्स कितने हुए, रूल्स विल बी समेशन ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज इन एक्स एंड ऑल द पॉसिबिलिटीज इन वाई। तो अगर आप इसको इवेलुएट करें तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला, या एग्जैक्टली, सो यू कैन सी द कंप्यूटेशन लाइक दिस, एंड आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी सब्स्टिट्यूशन। आई नो दिस इज गोइंग टू बी अ बिट कंफ्यूजिंग फॉर यू, बट इफ यू रिमेंबर योर फॉर्मूलाज, द सीरीज फॉर्मूला एंड द कॉम्बिनेशंस, यू आर गोइंग टू गेट इट। सो द टोटल नंबर ऑफ रूल्स विज अकॉर्डिंग टू दिस इज 3 रेज टू डी माइनस 2 रेज टू डी प्लस 1 प्लस 1। तो आप नोट करें, अगर डी बढ़ता जा रहा है तो रूल सेट आपका एक्सपोनेंशियली लार्ज हो जाएगा। सो अब एक्सपोनेंशियली लार्ज है तो सबकी सपोर्ट और कॉन्फिडेंस आपको कंप्यूट करना है। अब मान लो मैं मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड लगा देती हूँ 0.2, दैट इज 20% ऑफ 20% में रूल्स में तो होना ही चाहिए, और मिनिमम कॉन्फिडेंस लगा देती हूँ 50%। तो आप ये नोटिस करोगे कि बहुत सारे रूल्स डिस्कार्ड हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे आइटम सेट्स एक साथ खरीदे ही नहीं जाते हैं। तो इस केस में आपने इतने सारे रूल्स इवेल्युएट करे और आपने अपना कंप्यूटेशन टाइम वेस्ट कर दिया। सो यू हैव टू फाइंड अ वे टू एलुमिनेट और प्रून दीज रूल्स। इन रूल्स को हटाने का आपको कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जो आपको, जिससे आप ये सारी कंप्यूटेशंस अवॉइड करें। बट इस बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आप तब तक ये ध्यान से पढ़िए, एंड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू प्रून दीज रूल्स, हाउ यू आर गोइंग टू जनरेट फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, एंड वॉट योर एप्रियोरी एल्गोरिथम इज। टिल देन goodbye, and for if you have any questions, कोई भी doubts हैं, कोई भी सवाल हैं, तो comments में अपने doubts पूछिए, and I will be trying to answer them. Similarly, आप like कर सकते हैं इस channel को, share कर सकते हो, subscribe कर सकते हो, अपने friends को भी बता सकते हो, so that everyone keeps learning and sharing is caring. So bye for now.